Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और excited हूँ क्योंकि आज मैं एक हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ और आप सबको शायद पता नहीं है कि मैंने जो लास्ट परचेजिंग किया था कॉस्मेटिक्स का वो 6 महीने से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। बहुत दिनों से मैं सोच के रखी थी, बहुत सारी प्रोडक्ट मैं अपने विश लिस्ट पर रखी थी, बट लॉकडाउन की वजह से मैंने वो ऑर्डर नहीं किया। बट लॉकडाउन जैसे ही खुला वो मैंने मंगाया। कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट भी हैं, कुछ चीज़ें थी जो कि मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी लेने का, बट वो मैं ले नहीं पाई। अब मैंने मंगाया, 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ, तो मैं आपको सब एक एक करके दिखाती हूँ। सबका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये इतना बड़ा पैकेट में आया है। एक और पैकेट था बट वो जगह मुझे रखने का जगह नहीं था, सारा मैंने इस पर शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा उसमें क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ, बट उसके अलावा मैंने ये स्किन केयर का एम कैफिन से ये मंगाया, स्किन केयर रूटीन का, ग्रीन टी रेंज में है। इसका मैं बहुत दिनों से ऐड देख रही थी, बहुत ही दिनों से, और अभी ये ऑफर में भी था तो ये मुझे रिसीव हुआ कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में। और ये बहुत सुंदर पैकेजिंग है, इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं एटलीस्ट 10 डेज तक यूज़ करती हूँ, फिर मैं इसका अलग से इसका रिव्यू, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये तो हो गया एम कैफिन के प्रोडक्ट। अब मैंने बाकी जो मंगाए हुआ है नायका से, क्योंकि आप सबको पता ही मुझे नायका से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो कॉस्मेटिक्स तो नहीं थी, वो है ये पी सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे। ये मुझे लेना था, ये लोकली मैंने सर्च किया था बट मुझे मिला नहीं, नायका में अवेलेबल था तो ये मैंने मंगाया। छोटा बॉटल है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है और ये इसको कैरी करने में बहुत इजी है, हम लोग इजीली अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, हम लोगों को सैनिटाइजर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मंगाया। सबका प्राइस जो है मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप लोग वो देख लेना। तो नेक्स्ट जो मैंने मंगाया वो है लैक्मी 925 नेचुरल जेल मेकअप रिमूवर। ये छोटा साइज़ का मुझे चाहिए था ये ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा बॉटल है बट वो कैरी करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने छोटा ही मंगाया है। नेक्स्ट जो है वो है ये छोटा सा परफ्यूम, मोई बाय नायका एम्योर यूते परफ्यूम है छोटा सा, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। तो इसका जो फ्रेगनेंस है ना गाइस, मुझे बहुत इसका बहुत सारी वैरायटीज़ है, बट मैंने सारा रिव्यू चेक किया तो इसका रिव्यू सबसे अच्छा था। इसका बॉटल आप देख सकते हो, छोटा सा है ये, आप अपने बैग में कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो, उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया वो है लॉरियल पैरिस का रेविटालिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस फॉर ब्राइट एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन। इसका मैंने ये छोटा वाला पैकेट मंगाया, छोटा वाला बॉटल मंगाया, क्योंकि इसका एड भी मैं बहुत दिनों से देख रही थी, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है तो मैं इसका एक बार यूज़ करना चाहती थी। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया यूज़ करना, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, इसका रिव्यू मैं ज़रूर करूँगी। इसके बहुत सारे बड़े बड़े साइजेस भी हैं बट मैंने छोटा सा मंगाया, मैं एक बार पहले ट्राई करना चाहती थी कि ये कैसा है, एक बार मेरी स्किन को सूट करती है या नहीं, तो पहले मैं इसको ट्राई करूँगी, अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तभी मैं इसका बड़ा बॉटल मंगाऊँगी। और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसको भी मैं इजीली अपने बैग में कैरी करके कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। इसके बाद जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है लैक्मे डीप ब्लैक आइकॉनिक काजल। ये भी ऑफर में था, मुझे इसमें काफ़ी डिस्काउंट मिल गया था। तो काजल तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने एक ये मंगाया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मेबलिन की फिट मी कंसीलर है, शेड है 25 मीडियम, ये आप लोग देख सकते हो,
इसको मैं दे इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, इसको मैं बहुत दिनों से लेने का प्लान कर रही थी, बट ये मैंने अभी नहीं मंगाई, ये मेरा लॉकडाउन से पहले ही आया था। जैसे कि मैंने बताया, दो तीन चार आइटम मैंने लॉकडाउन से पहले ही मंगाया, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए मैं आज के वीडियो में उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेबलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्करा। आप देख सकते हो, ये मैंने यूज भी किया है अभी, ये मैंने अभी लगाया हुआ भी है। ये भी मैं लॉकडाउन से पहले मैंने मंगाया था, ये और कंसीलर और एक चीज है वो, और एक आइटम है, वो तीनों चीज मैंने लॉकडाउन से पहले मंगाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पैक से मैंने मंगाया, वो है फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। मेरे पास बहुत तरीके का ब्रश है बट फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश नहीं था, तो ये मैंने मंगाया है। इसका नंबर है ब्लेंडिंग ब्रश 265। आप देख सकते हो, मैं सारे प्रोडक्ट का डिटेल जो ना वो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और एक स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। ये बहुत ही अच्छे से पैक होके आया था। नेक्स्ट और एक आइटम जो है ये भी मैंने पैक से मंगाया, ये द अल्टीमेट शैडो बॉक्स है, लक्स कलेक्शन का है, इस तरीके का। ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है, देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने यूज किया है, बहुत सुंदर सुंदर शेड है, इसका पिगमेंटेशन भी काफी अच्छा है, सिंगल स्वाइप में लग जाता है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गाइस वो है नाइका ब्रो गर्ल ब्रो डिफाइनर। ये भी मैंने आज यूज किया है क्योंकि मेरा जो आईब्रो पेंसिल था वो खत्म हो गया था, तो मैंने ये मंगाया। ये बहुत ही इसमें बैक साइड में स्पूली है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और इसका इस तरीके से है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी है, ये मैंने आज लगाया, यूज किया है। आपको मैं जो इतने भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ उसका मैंने यूज किया है। नेक्स्ट जो आइटम है वो है नाइका बीच साइड पीच आई शेडो पैलेट। ये भी बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट पे था, ये आप देख सकते हो, इसमें मैक्सिमम पीच न्यूड शेड्स हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। हल्का शाइन भी करता है, तो ये मुझे बहुत दिनों से मन था लेने का और मैंने ये लिया। वैसे मैंने अपना आज का जो आई मेकअप है, आई शेडो जो मैंने यूज किया है, वो यही आई शेडो मैंने यूज किया आई मेकअप के लिए। बहुत गर्मी हो रही है यार आज।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी है नायका से, नायका गेट चिकी ब्लश ड्यूओ। ये भी मेरा बहुत दिनों से विश लिस्ट में था। ये शेड है आपका मेलिबू बार्बी 03। इस तरीके के पैकेजिंग में आती है। आप देख सकते हो बहुत सुंदर कलर। एक शेड है आपका पीच काइंड ऑफ शेड है और एक पिंकिश में है। तो आज मैंने जो यूज किया वो पीच वाला है, ये वाला। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, ये वन ऑफ माय फेवरेट है। ये भी बहुत दिनों से मैंने विश लिस्ट में रखा था बट मैं ले नहीं पा रही थी। इनफैक्ट मैं अभी भी लेने के लिए सोच रही थी क्योंकि वो एक लिपस्टिक है और जैसा कि आप सबको पता ही, अभी हम लोगों को मतलब क्या बोलूँ, जो भी लिपस्टिक लवर्स हैं, मुझे तो लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अब सिर्फ मास्क पहन के रहना, बट क्या कर सकते हैं, जब तक ये जो प्रॉब्लम है कोविड का, कोरोना वायरस का, तब तक हम लोगों को इस चीज़ को मेंटेन करना ही है। मैं सारा कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, लिपस्टिक भी बट करना चाहती थी, बट मैं सोच रही थी यूजलेस हो जाएगा क्योंकि अब तो मैं लगा नहीं पाऊंगी, लगाऊंगी तो मुझे तो मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने लिया, पार्टी वेयर है, मैं अभी भी लगाई हुई हूँ। आप देख सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक है नायका से। यह नायका मैट टू लास्ट मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक है। आप देख सकते हो शाइन करता है लिटरली। इसका मैंने 3 शेड, ये इसका पैकेजिंग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती और बहुत अच्छा शेड है इसका। मैंने 3 शेड मैंने प्लान किया था लेने का बट अभी मुझे पूरा वो वेस्टेज फील हुआ, इसलिए मैंने जो मोस्ट यूज होने वाला शेड है वो मैंने मंगाया। और मैंने अभी तक नायका का जितना भी लिपस्टिक यूज किया है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक गाइस। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये पार्टी के लिए और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और प्रोडक्ट मैंने जो परचेज किया वो तो इतना ही था बट अभी ऑफर्स चल रहे थे इसके लिए मुझे कुछ बहुत सारे डिस्काउंट्स मिले, क्योंकि आप सबको पता ही है कॉस्मेटिक्स में अभी बहुत डिस्काउंट्स चल रहे हैं, 30%, 40%, 25%। तो आप लोग नायका में और भी अदर वेबसाइट्स में चेक करते रहना। और उसके सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए उसके साथ ये मुझे एक फ्री में मिला, नायका मेल्टन मैट लिप एंड चिक कलर, ये मुझे फ्री में मिला। ये शेड है नंबर 05 समंथा। आई डोंट नो कैमरा कैच कर पा रहा है या नहीं। ये शेड मैं आपको दिखाती हूँ, ये अल्ता रेड, ना ये पिंक है ना ही ये रेड है, ये पिंकिश रेड है। ये मुझे एक आइटम है जो मुझे फ्री में मिला। नेक्स्ट मुझे ये मास्क शीट है नायका स्किन सीक्रेट्स राइस एंड कैमेलिया फॉर नरिश्ड एंड रेडियंट स्किन, ये शीट मास्क भी मुझे फ्री में मिला इन सारे प्रोडक्ट्स के परचेजिंग पे। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई थी, ये मैंने जो एम कैफिन का प्रोडक्ट बनाया ना उसके साथ ये 2 सैंपल भी मुझे फ्री में मिले। मैं आपको इसका पैकेजिंग, बहुत क्यूट है ये, पोटली काइंड ऑफ पैकेजिंग है, इसके अंदर छोटा सा बॉटल है। ये दोनों सैंपल्स है एक्चुअली, आप लोग इसको यूज करके अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसका जो बड़ा वाला पैकेट है वो आप लोग मंगवा सकते हो। कॉफी बॉडी स्क्रब है नेक एंड रो कॉफी बॉडी स्क्रब एंड नेक एंड रो कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, मैं आप सबको दिखाना भूल गई थी।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आप सबको मेरा आज का ये हॉल वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और उसके ठीक बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आप सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उसे वॉच कर सकोगे। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।